हेलो एवरीवन, समस्त स्वागत आज वीडियो को। आज आम डिस्कशन करवा अम्ल क्षारक लवण पाठर एमसीक्यू क्वेश्चन। अगेन सौरभ टेस्ट पेपर रु सब क्वेश्चन मुझे राइट आउ ये जो क्वेश्चन गुड़ाक आम अभ्यास करवा ये तुमको एसए वन एग्जाम इम्पोर्टेन्ट रे। आम जाने आग को एसए वन एग्जाम आसपाई एमसीक्यू क्वेश्चन गुड़ाक प्रथम सब अभ्यास करूचे। विज्ञान प्रीवियसली आम भौतिक विज्ञान प्रथम पाठ आ जीव विज्ञान प्रथम पार्ट एम सी क्यू पढ़ी सारी सौरभ आज आम भौतिक विज्ञान द्वितीय पाठ अम्ल क्षारक लवण को आग को डिस्कशन करवा। ठीक अच्छे, तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट आर डिस्कशन। क्लास स्टार्ट करने पूर्व जो तुमको वीडियो हेल्पफुल लगुच निश्चित भाव में आपको लाइक कर, चैनल को जो एपर्यंत सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को अल्रे सेट कर दि। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखा आम क्योंटी अलग फेनोफ्थालिन, मिथाइल ऑरेंज, लिटमस द्रवण, पीएच पेपर। ए चार्टा भितर तीन टा फेनोफ्थालिन, मिथाइल ऑरेंज और लिटमस द्रवण ए तीन टा जाक होचोनि तमानकर सूचक राइट इंडिकेटर। एमाने अम्ल और क्षारक चिन्हित चिन्हट करि पारंते तार सूचक अटंते, किंतु पीएच पेपर टा सूचक नुहे। पीएच पेपर टा पीएच रे आमे जानि परिबा सूचना मिलिबो अम्ल कि क्षारक, बट पीएच पेपर एग्जाक्ट तमु कहिबो केते पीएच अच्छे कौ रेंज रे तार पीएच अच्छे से आमको कह राइट। तेणुक ऑप्शन डी आम पीएच पेपर टा अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नोक्त क्योंथिरे हाइड्रोजन गैस व्यवहार करा जाए ना, एम भितर कौथिरे हाइड्रोजन गैस व्यवहार हुए ना, कौन कौन अच्छे देख ना, इंधन, एमोनिया, वनस्पति घी, जल विशोधन। आंसर यार भी हो ऑप्शन डी जल विशोधन। कहीं देखो हाइड्रोजन गैस को ईंधन आकार व्यवहार करा जाए, ऑब्वियसली हाइड्रोजन गैस कौन जले, तो ताको ईंधन आकार व्यवहार कर रॉकेट गुड़ा करे फ्यूल आकार व्यवहार भी हुए हाइड्रोजन गैस। एमोनिया तैयारी करिवारे भी हाइड्रोजन दरकार, नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिसले एमोनिया हम। वनस्पति घी तैयारी करिवारे भी हाइड्रोजन दरकार, जल विशोधन हाँ हाइड्रोजन आवश्यकता नहीं, तो ऑप्शन डी जल विशोधन तुमको करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा क्वेश्चन नंबर थ्री, केउटी जिप्सम रासायनिक संकेत अटे। जिप्सम रासायनिक संकेत हूँ CaSO4.2H2O, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट CaSO4.2H2O जिप्सम संकेत, CaSO4.5H2O एहेमी हाइड्रेट हो गले ये आमरा प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी नहीं कि, तो जिप्सम पचारे तेणुक CaSO4.2H2O हम तुम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हालोफाइटा श्रेणी शैवालिकार कौन निष्कास शैवालिकारू कौन निष्कासन कराए, हालोफाइटा श्रेणी शैवालिकारू लिटमस द्रवण निष्कासन कराए। लिटमसटा से कौन गोटे प्राकृतिक सूचक जाए, कहीं हालोफाइटा बोली गोटे शैवालिकारू बाहर कराए। पांच नंबर, पानी जल को जीवाणुमुक्त करने कौन व्यवहार करा जाए, पानी जल को जीवाणुमुक्त करने कौन व्यवहार करा जाए, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 बा आपको कौन कहा जाए ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर कौटा ऑप्शन डी CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बा ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट, क्षार सोडार Na2CO3.10H2O सह जो संपर्क अच्छे जिप्सम रहा से संपर्क अच्छे, क्षार सोडार Na2CO3.10H2O सहित जो संपर्क अच्छे जिप्सम रहा सहित अच्छे बोली पचारा। बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन देख, क्षार सोडार Na2CO3.10H2O हाँ ताई सहित तो खार सोडार कौन ये अच्छे रिलेशन अच्छे, वेल जिप्सम को तुम्हें गरम कले से कौन हुए अम्लजान हरे नहीं कि, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट .10H2O कले आम क्षार सोडा मिलू। जिप्सम रहा सहित तो संपर्क अच्छे, जिप्सम हूँ CaSO4.2H2O तार संपर्क अच्छे तुमको क्या सहित प्लास्टर ऑफ पेरिस सहित CaSO4.5H2O ऑप्शन डी आंसर हम। बुझी पार्च, क्षार सोडा को Na2CO3.10H2O गरम कले क्षार सोडा हो NHCO3 हो, किंतु तुमको
କ'ଣ ଯେଉଁ ଜିପ୍ସମ୍, ଜିପ୍ସମ୍ ସହିତ କାହାର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ ହେମିହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଆମର ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ୍ର। ତ ଅପସନ୍ ଡି ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 7 ନମ୍ବର, କେଉଁ ଯୋଡ଼ାଟି ଭିଲ୍ ଭୁଲ କେଉଁଟା ଭୁଲ ଅଛି? ପାଚକ ରସ 1.2 pH, ଲେମ୍ବୁ ରସ 2.2 pH, ରକ୍ତ ଓ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳର pH 7.4, ଟମାଟୋ ରସର pH 7.4। କେଉଁଟା ଭୁଲ ଲେଖୁଛି ତୁମକୁ ଦେଖିଲେ ବି ଜାଣିପାରିବ ତୁମେ, ସବୁଯାକ ମନେ ଥିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କାହିଁକି ଦେଖ ଅପସନ୍ ଡିଟା ଭୁଲ ହେବ। କାହିଁକି ଭୁଲ ହେବ? ଟମାଟୋ ରସରେ pH 7.4 କହିଛି, 7ରୁ ଅଧିକ pH ହେଲେ, 7ରୁ ଅଧିକ ହେଲେ କ'ଣ କ୍ଷାର, 7ରୁ କମ୍ ହେଲେ ଅମ୍ଳ। ଟମାଟୋ ରସରେ କ'ଣ ଅଛି? ଟମାଟୋରେ ଅଛି ଅକ୍ଜାଲିକ୍ ଏସିଡ୍, ଅକ୍ଜାଲିକ୍ ଅମ୍ଳ, ମାନେ pHଟା ଅମ୍ଳ ଆଡ଼େ ରହିବା କଥା, 7ରୁ କମ୍ ରହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ 7ରୁ ଅଧିକ ଅଛି ଦେଇଛି ଏଠି, ତେଣୁକରି ଭୁଲ, ଟମାଟୋ ରସର pH 7.4 ଭୁଲ ହେଇଯିବ, ରାଇଟ୍? ଆଇଡିଆ ଲଗେଇ ପାରିବ ତମେ ନ ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଭାଲ୍ୟୁ। 8 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନତ କେଉଁ ଦ୍ରବଣ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହ ହେବ? ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାର ଦ୍ରବଣରେ, ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣରେ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହ ହେବ? ଅମ୍ଳୀୟ ଦ୍ରବଣ, କ୍ଷାରୀୟ ଦ୍ରବଣ, ସୋଡ଼ିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଦ୍ରବଣ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଅପସନ୍ ଡି ହେବ ଆର ଆନ୍ସର, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଦେଖ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହ କେତେବେଳେ ହୁଏ? ଆୟନ ମିଳିଲେ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହ ହୁଏ। ଯଦି ଜଣଙ୍କର ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣରେ ଆୟନ ଅଛି ତେବେ ସେ ବିଦ୍ୟୁତ କ'ଣ କରିପାରିବ, ପ୍ରବାହ କରିପାରିବ। ତ ଅମ୍ଳୀୟ ଦ୍ରବଣରେ ଅବଭିୟସ୍ଲି ଅମ୍ଳରେ, ଅମ୍ଳରେ ଏଚ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆୟନ୍ ଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଇନସ୍ ଆୟନ୍ ଥିବ, କ୍ଷାରୀୟରେ ଓ ଏଚ୍ ମାଇନସ୍ ଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ଅମ୍ଳ ଥିବ। ସୋଡ଼ିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆୟନିକ ଯୌଗିକ, ତାକୁ ଜଳରେ ମିଶିଲେ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଆଉ କ୍ଲୋରିନ୍, କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଯିବ। ତାମାନେ ସବୁଥିରେ ଆମେ ଆୟନ୍ ପାଇବା ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣରେ, ମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହ କରିବ, ଏମିତି ଆଇଡିଆ ଆସିବ ହେଲା। ଅମ୍ଳ କ୍ଷାର କରେ, ଅମ୍ଳ ଅମ୍ଳ ଦ୍ରବଣରେ ଲାଲ ଲିଟମସ୍ କାଗଜର ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଅମ୍ଳ ମନେ ରଖ ଏଇ ଜିନିଷକୁ, ଅମ୍ଳ ସବୁବେଳେ ଲାଲ ଚାହେଁ, ଅମ୍ଳ ସବୁବେଳେ ଲାଲ ରେଡ୍ ଚାହେଁ, କ୍ଷାର ସବୁବେଳେ ବ୍ଲୁ ଚାହିଁବ, କ୍ଷାର ସବୁବେଳେ ବ୍ଲୁ ଚାହିଁବ, ମାନେ ଅମ୍ଳରେ ରେଡ୍ଟା ରେଡ୍ ରହିବ, ବ୍ଲୁଟା ରେଡ୍ ହେଇଯିବ, କ୍ଷାରରେ ବ୍ଲୁଟା ବ୍ଲୁ ରହିବ କିନ୍ତୁ ରେଡ୍ଟା ବି ବ୍ଲୁ ହେଇଯିବ। ତ ଏସିଡ୍ ଲାଇକ୍ସ ରେଡ୍ କଲର୍, ବେସ୍ ଲାଇକ୍ସ ବ୍ଲୁ କଲର୍, ଏତିକି ମନେ ରଖିବ ଯଦି ତମେ ଆରାମସେ ଜାଣିପାରିବ କେଉଁ ଲିଟମସ୍ ଦ୍ରବଣ କେଉଁଥିରେ କ'ଣ ରଙ୍ଗ ଦେବ। କ'ଣ ପଚାରିଛି ଦେଖ, ଲାଲ ଲିଟମସ୍ କାଗଜର ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ଅମ୍ଳରେ ଲାଲ ପୁରାଓ କି ବ୍ଲୁ ପୁରାଓ, ରିଜଲ୍ଟ ଆସିବ ରେଡ୍, କାହିଁକି ଏସିଡ୍ ଲାଇକ୍ସ ରେଡ୍। ତ ଅମ୍ଳରେ ଯଦି ଲାଲ ଲିଟମସ୍ ଦ୍ରବଣ ପକେଇବ ରଙ୍ଗ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ। ସୋ ଅପସନ୍ ସି ହେବ ତୁମମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ବୁଝିପାରୁଛ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ 10 ନମ୍ବର, ଆମ ପାକସ୍ଥଳୀରୁ କେଉଁ ଅମ୍ଳ ନିର୍ଗତ ହୁଏ ଯାହା ଖାଦ୍ୟକୁ ହଜମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ଆମ ପାକସ୍ଥଳୀରୁ ବାହାରେ HCl, ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଅମ୍ଳ। ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ଯନ୍ତ୍ରରେ କାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ? ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ଯନ୍ତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଅପସନ୍ ଡି NaHCO3, ସୋଡ଼ିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍କୁ, ବା ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା କହୁଛୁ, ରାଇଟ୍? ଯେଉଁ NaHCO3 ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ଅଛି ତାକୁ ଗରମ କଲେ କ'ଣ ହୁଏ, CO2 ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରେ, କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରେ, ଯିଏକି ଅମ୍ଳଜାନ ସହିତ ନିଆଁର ବା ଯେଉଁ କ'ଣ ଅଗ୍ନିର ସଂଯୋଗକୁ ଛିନ୍ନ କରିଦିଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପିତ ହେଇଯାଏ ବା ନିଆଁ ଲିଭିଯାଏ। 12 ନମ୍ବର, ବିଛୁଆତି ପତ୍ରର ଆଂଶୁ ଫଡ଼ି ହୋଇଗଲେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ପତ୍ରକୁ ଘଷିଲେ ଉପଶମ ମିଳିବ? ଦେଖ ବିଛୁଆତି ପତ୍ରରେ କ'ଣ ଅଛି, ମିଥାନୋଇକ୍ ଏସିଡ୍, ରାଇଟ୍, ବା ଫର୍ମିକ୍ ଏସିଡ୍ ଯେଉଁଟାକୁ କହୁଛୁ ଆମେ। ତ ଗୋଟେ ଏସିଡ୍ ଯାଉଛି ଆମର କ'ଣ ବଡି ଭିତରକୁ, ଆମର ବଡି ଭିତରକୁ ଏସିଡ୍ ଗୋଟେ ପଶୁଛି, ବିଛୁଆତି ପତ୍ର ଚୋବା ଚୋବାଇ ଲାଗିଗଲେ ତାର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବଡି ଭିତରକୁ ମିଥାନୋଇକ୍ ଏସିଡ୍ଟା ପଳାଉଛି। ତାକୁ ଉପଶମ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବେସ୍ ଲଗେଇବାର ଅଛି, ଗୋଟେ କ୍ଷାରକ ଲଗେଇବାର ଅଛି, ଅମ୍ଳ ଯାଇଛି ମାନେ ଅମ୍ଳକୁ ବାଲାନ୍ସ କିଏ କରିବ, କ୍ଷାରକ କେଉଁଥିରେ କ୍ଷାରକ ଥାଏ, ଡକ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଥାଏ, ଡକ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ କ୍ଷାରକ ଥାଏ, ତେଣୁକରି ଅପସନ୍ ସି ହେବ ତୁମମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଅଶୁଦ୍ଧତା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଅଶୁଦ୍ଧତା ହେତୁ ଖାଇବା ଲୁଣର ବୃହତ୍ ସ୍ଫଟିକ ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଦେଖାଯାଏ, ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗ, ଖାଇବା ଲୁଣର ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍ଫଟିକ ଗୁଡ଼ାକ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଏ, କାହିଁକି ସେଥିରେ ପିଓର ସୋଡ଼ିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ନଥାଏ, ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଶୁଦ୍ଧତା ମିଶିକି ରହିଥାଏ।
बेकिंग सोडा को उत्तप्त कले सेथिरु निर्गत केउ गैस पाउरुटी बा केक को फुलेबारे सहाय्य करे। जेतेबेले बेकिंग सोडा बा खाइबा सोडा को गरम करा जाए, खाइबा सोडा गरम हेले कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहरे नेगे एनएच सीओ थ्री सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बा खाइबा सोडा गरम हेले से कौन हम सीओ टू गैस बाहर कर सीओ टू गैस राइट। ए सीओ टू गैस पाउरुटी को बा केक को फुलाए। सोडियम कार्बोनेट को क्यों थरे व्यवहार करा जाए नाही, सोडियम कार्बोनेट को एनए टू सीओ थ्री को क्यों थरे व्यवहार करा जाए नाही, जलर स्थायी करत्व दूर करने कागज शिल्प रे केक प्रस्तुति रे काच शिल्प रे। ऑप्शन सी केक प्रस्तुति रे व्यवहार करा जाए ना। सोडियम कार्बोनेट टा कौन तो मानकर धोईबा सोडा, ठीक अच्छे धोईबा सोडा, तो सोडियम कार्बोनेट टा धोईबा सोडा, धोईबा सोडा को केक रे बना जाए ना, खाइबा सोडा को केक प्रस्तुति रे व्यवहार करा जाए। तेणु करके तो मानकर ऑप्शन सी हिज करेक्ट आंसर। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया रो पीएच केते, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया रो पीएच केते, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया रो पीएच होची 10 केते 10। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एम एमजीओएच होल टू, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, गोटे मृदु क्षारक, पीएच तार 10। ये व्यवहार हुए एज ए एंटासीड बा प्रतिअम्ल, प्रतिअम्ल आकार व्यवहार हुए। एसिडिटी हेले आमे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया खाऊ, बा एसिडिटी हेले आमे यूज करू जो एंटासीड प्रतिअम्ल से थाए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट कहार पीएच विशुद्ध जलर पीएच सहित समान, विशुद्ध जलर पीएच सहित कहार पीएच समान, आंसर होची डी रक्त, रक्तर पीएच जलर पीएच सहित प्राय प्राय समान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, 18 नंबर प्रश्न कौन कहूँ, नाइट्रोजन जदि प्रतिजारक हुए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कौन, एबे ही हमें आलोचना कले मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होची प्रति अम्ल, माने जे अम्ल को प्रतिहत करे, एटा कन्फ्यूज हुआ नहीं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया गोटे मृदु क्षारक, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कौन गोटे मृदु क्षारक, माने बेसी पावरफुल क्षारक नुहे, टिके कम पावरफुल दुर्बल क्षारक। हाँ ये जो क्षारकटा से अम्ल सहित तो मिसिले कौन हम ताको बैलेंस कर, माने अम्ल को प्रतिहत कर, तार ना प्रति अम्ल। नेक्स्ट केउटी अलग, लवंग तेल पियाज वानिला पेटुनिया, केउटी अलग लवंग तेल पियाज वानिला पेटुनिया। देख लवंग तेल पियाज और भानिला तीन टा जाक हूँ घ्राण सूचक, घ्राण मान कौन जोटा स्मेल रो सूचना देवे, अम्ल और क्षारक सहित मिसले मैंने स्मेल चेंज हुए जहाद्वारा कि आम जापर एटा अम्ल कि क्षारक, तेणुकर घ्राण सूचक, कितु पेटुनिया घ्राण सूचक नुहे, तार कलर चेंज हेले जना पड़े, दैट्स वाई ऑप्शन डी हम तुम करेक्ट आंसर। हलदी के प्रकार पदार्थ सूचक रूपे व्यवहार करा जाए, हलदी को कहार सूचक रूपे व्यवहार करी, हलदी को क्षारिय सूचक, क्षारिय क्षारियर सूचक रूपे व्यवहार कर, उभय अम्ल क्षारक से चिन्ह पारे, अम्ल सहित कौन परिवर्तन देखेब ना, से न्यूट्रल सहित भी कौन परिवर्तन देखेब ना, हाँ किंतु क्षारक सहित संपर्क आसिले हलदी कौन जाए लाल रंग हो जाए। ध्यान दि आउ थे कौच क्षारर संपर्क आसिले हलदी लाल रंग हो जाए, से ऑप्शन ए क्षारिय हम करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 केउटी अन्य मानक ठारु पृथक, लाल बंधाकोबी पत्र, जोरानियम, पेटुनिया, हाइड्रेंजिया, केउटी अन्य गुड़िक ठारु पृथक कहिचे। एथि देख जोरानियम, पेटुनिया और हाइड्रेंजिया ए तीनटा जाक गोटे प्रकार, किंतु लाल बंधाकोबी पत्र ये हम तुमकर पृथक अलग। नेक्स्ट हाइड्रेंजिया फुलर वर्ण क्षारिय द्रवण में किपरि परिवर्तित परिवर्तन हुए, हाइड्रेंजिया फुलर वर्ण क्षारिय द्रवण में केमिति परिवर्तन आने, हाइड्रेंजिया फुलर वर्ण होचे कौन, हाइड्रेंजिया फुलर वर्ण होचे नील, सॉरी हाँ नील, हाइड्रेंजिया रो नील, नील वर्णटा क्षारक संपर्क आसिले गोलापी हो जाए, बुझिपार्छ, हाइड्रेंजिया फुलर वर्ण नील रु गोलापी हो जाए से जो क्षारक संपर्क आसे, तेणुकर ऑप्शन सी हो तुम्हारे करेक्ट आंसर। क्योंटी सठिक उक्ति नुहे, लाल बंधाकोबी पत्र
अम्लीय द्रवण में लाल क्षारीय द्रवण में सबुज वर्ण होता है। मिथाइल ऑरेंज द्रवण लाल और क्षारीय मिथाइल ऑरेंज अम्लीय द्रवण में लाल क्षारीय द्रवण में हलदिया हुए। लिटमस द्रवण एक संश्लेषित वर्ण सूचक। साबुन्र द्रवण एक क्षारीय पदार्थ। क्योंकि सठिक नुहे बोली कही तुम्हें देखने ही जानदेव ऑप्शन सी टा तुम मानकर रंग अच्छे कहीं लिटमस द्रवण संश्लेषित बोली कहीदेला। वर्ण सूचक तो ठीक अच्छे कलर रु जना पड़ ठीक अच्छे किंतु संश्लेषित कहीदेला तेणुकर भूल। लिटमस द्रवण संश्लेषित नुहे। लिटमस द्रवण हूँ प्राकृतिक संश्लेषित मान जो मनुष्य तैयारी कर ना प्राकृतिक प्रकृति रू मिलूँ थालोफाइटा नामक शैवाहिकारूटा को बाहर कराए। नेक्स्ट निर्जलीय फेरस सल्फेट रंग कौन होता है। निर्जलीय फेरस सल्फेट जो थे स्फटिक जल निर्जलीय फेरस सल्फेट रंग कौन होता है। आंसर हूँ ऑप्शन डी धला। एक्चुअली फेरस सल्फेट रंग कौन था मैंने एक्चुअली फेरस सल्फेट जो तार जल से स्फटिक जल न तार रंग होता है धला। निर्जलीय कॉपर सल्फेट वर्ण कौन अटे। निर्जलीय कॉपर सल्फेट वर्ण भी धला अटे किंतु स्फटिक जल जदि से तार रंग एक्चुअली नील थी। कॉपर सल्फेट द्रवण वर्ण नील वर्ण थाए। कॉपर सल्फेट द्रवण नील वर्ण थाए जेतबेले कॉपर सल्फेट नील थी केतबेले जेतबेले सेथिरे जो स्फटिक जल थी किंतु जदि गरम करके स्फटिक जल बाहर करदेव धला है। अम्लर लघुकरण बेले द्रवण रे एकक आयतन प्रति हाइड्रोजेन रो आयतन रो गाढ़ता कौन हुए। अम्ल को आम लघु करुचु लघुकरण करुचु माने डाइल्यूट करुचु। अम्ल को जदि आम लघुकरण करवा से समय रे तार हाइड्रोजेन आयतन रो गाढ़ता ह्रास पाए कमे राइट। जिते गाढ़ थी जिते अम्लटा अम्ल हो कि क्षार हो जिते गाढ़ थी सेते एच प्लस ओएच माइनस आयन अधिक थी। जदि आम लघुकरण करुचु मान से जल मिसु जल मिस गले कौन हो हाइड्रोजेन आयन गाढ़ता कमी कमी जाऊँचे तेणु करके ऑप्शन ए ह्रास पाए करेक्ट आंसर हम। तापर देख निम्नलिखित मध्य क्यों द्रवण पीएच सात रु कम। क्यों द्रवण पीएच सात रु कम कौन हम। NH4Cl KNO3 Na2SO4 Na2CO3 एमोनियम क्लोराइड पोटासियम नाइट्रेट सोडियम सल्फेट सोडियम कार्बोनेट। आंसर हम तुम मानक एमोनियम क्लोराइड। एमोनियम क्लोराइड ऑप्शन ए हम आंसर कहीं सात रु कम मान क्षारिय ए सब जाक कौन ए सब जाक हूँ तुम मानक गोटे 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 सल्ट लवण। तो गोटे लवण पीएच सात रु कम मान क्षारिय लवण केते बेले हबो से जो जो एसिड आ बेस रु तैयारी हिचे मन करा जो से लवणटा NH4Cl हला NH4Cl ये को ये रु तैयारी हिथिबो को एसिड आ बेस मिसले तैयारी हिथिबो एमोनियम हाइड्रोक्साइड। एमोनियम हाइड्रोक्साइड जेतोले मिसी थिबो सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड सहित बेस एसिड मिसिके NH4Cl NH4Cl एमोनियम क्लोराइड। हेले ए एमोनियम क्लोराइड टा कोथरु बाहर जे एमोनियम हाइड्रोक्साइड आ कोन हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रो। तो ध्यान दियो एमोनियम हाइड्रोक्साइड कोन गोटे वीक एसिड दुर्बल दुर्बल वीक बेस दुर्बल क्षारक ये गोटे सबल अम्ल बुझी पार सॉरी भूल कहले माय बैड। NH4Cl 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 तुम्हारो तैयारी है थिबो हाँ ये सात रु कम थिला ना सेटा भूल जाइला सॉरी सात रु कम माने क्षारिय नुहे अम्लीय हला भूल जाइला सेठी सॉरी सॉरी अबाउट दैट। देख NH4OH और HCl रु तैयारी है छे हला HCl टा स्ट्रांग एटा ठीक कही थी तुमको HCl टा कौन सबल अम्ल सबल
अम्ल NH4OH टा एमोनियम हाइड्रोक्साइड टा ये दुर्बल क्षारक तो क्षारक दुर्बल अच्छे अम्लटा सबल अच्छे मिसिकी जो सल्टा बनैले जो कौन तो मानकर लवणटा बनैले से कौन हम अम्लीय हम आरे बुझी पार कि ना ये टिके मन पके दूची समस्त को सबल अम्ल सबल क्षारक दीटा जाक सबल हेले बा दीटा जाक जदि दुर्बल हेले सबल अम्ल सबल क्षारक बा दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षारक ताहले जो लवण मिल सी प्रशमित लवण मिल जदि दीटा जाक सामान थे तेल लवणटा प्रशमित मिल जोटा पावरफुल थी अम्ल जदि टे सबल थी ताहले लवणटा भी अम्लीय हम जदि क्षारकटा पावरफुल थी ताहले लवणटा क्षारिय हम तो ये आमर क्षारकटा दुर्बल अच्छे अम्लटा सबल अच्छे तो द्वारा सृष्टि होता लवणटा कौन हम अम्लीय हम अम्लीय मान सात रु क तेणुक ऑप्शन ए NH4Cl करेक्ट आंसर बुझेगा। नेक्स्ट देख 28 नंबर 0.1 mm NaOH द्रवण पीएच प्राय केते हबो देखो ये जो 0.1 mm कहला मोलारिटी एटा ना ही तुम कोर्स आसवन क्वेश्चन एग्जाम रहला एटा 0.1 mm माने एटा मोलारिटी कन्सेप्ट पड़ी तुम मान कौन प्लस टू फर्स्ट ईयर एटा पड़ो है यार आंसर आम 13 हम बट ये कोर्स ना क्या क्वेश्चन आई जना छाड़ दि क्वेश्चन नंबर 29 केउटी क्षारिय पदार्थर एक गुण ना क्षारियर गुण नुहे बोली कहला पार्टी को खटा लगे लाल लिटमस को नील कै पार्टी को क्षारिया लगे जलीय द्रवण विद्युत सुपरिवाह क्षारकर गुण नुहे खटा लगवा पार्टी को खटा किए लगे अम्ल लगे तेणुक ऑप्शन ए हम आंसर। नेक्स्ट 30 नंबर लेंबू रस और कॉफी मध्य क्योंटी लेंबू रस और कॉफी मध्य क्योंटी ठीक लेंबू रस आउ कॉफी अच्छा ठीक अच्छे उभय क्षारिय लेंबू रस क्षारिय कॉफी अम्लीय लेंबू रस अम्लीय कॉफी क्षारिय उभय अम्लीय यार करेक्ट आंसर है जो तुमको उभय अम्लीय लेंबू रस भी अम्लीय कॉफी मध्य अम्लीय एसिडिक। 31 कॉपर क्लोराइड द्रवण रंग कौन अटे कॉपर क्लोराइड द्रवण रंग कौन अटे नील लोहित नील नील सबुज हलदिया कॉपर क्लोराइड कथा कहुचे कॉपर क्लोराइड रंग हूँ नील सबुज ब्लू आउ ग्रीन कलर रो मिक्सचर केउटी अन्य गुड़िक पृथक NaOH KOH LiOH NH4OH NH4OH अलग कहीं सब गुड़ाक क्षारिय NaOH KOH LiOH एम सबल अम्ल सबल क्षारक सरी किंतु ये NH4OH दुर्बल क्षारक दुर्बल क्षारक दुर्बल क्षारक। नेक्स्ट 33 नंबर कौन कहला केउटी अन्य गुड़ ठार अलग Na2CO3 NaHCO3 CaCl2 K2CO3 ये सब कार्बोनेट भितर गोटे क्लोराइड अच्छे ये अलग हम क्लोराइडटा अलग कार्बोनेट गुड़ाक सब क्षारिय क्लोराइडटा अम्लीय हम। नेक्स्ट निम्नोक्त केउटे एक प्रशमनीकरण रासायनिक प्रतिक्रिया प्रशमनीकरण केतेबेले हुए जेतेबेले गोटे अम्ल गोटे क्षारक सहित मिसे गोटे अम्ल क्षारक सहित मिसले प्रशमनीकरण प्रतिक्रिया बा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाए तो 34 रो ऑप्शन गुड़ाक तुम चेक कर तुम फर्स्ट ऑप्शन टाइम हम प्रशमनीकरण रासायनिक प्रतिक्रिया कहीं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आउ कार्बन डाइऑक्साइड मिसुचे कार्बन डाइऑक्साइड हूँ एसिडिक है अम्लीय एसिड ओडिया लिखे अम्लीय कार्बन डाइऑक्साइड अम्लीय कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षारिय गोटे क्षारक गोटे अम्ल सहित मिसले कौन बाहर लवण आ जल तो ये हूँ तुम मानकर गोटे प्रशमनीकरण प्रतिक्रिया। तापर नेक्स्ट 35 केउटी ब्लीचिंग पाउडर उपयोगिता नुहे ब्लीचिंग पाउडर उपयोगिता नुहे कहला
ब्लीचिंग पाउडर रो व्यवहार कौ ए भितर कौटी हुए ना बयन शिल्प विरंजक रूपे जलर स्थायी करत्व दूर दूरीकरण रासायनिक शिल्प जारक रूपे पानी जल को जीवाणुमुक्त करने जलर स्थायी खरत्व दूर करने ब्लीचिंग पाउडर व्यवहार करा जाए ना जलर स्थायी खरत्व दूरीकरण तुमकर कौन धोईबा सोडा व्यवहार करा जाए क्योंटि भूल नुक्ते सोडियम क्लोराइड जलीय द्रवण को ब्राइन कह जाए क्लोर अल्कली पद्धति में क्लोरीन गैस और एनएच द्रवण एनोठार उत्पन्न हुए क्लोर अल्कली पद्धति में हाइड्रोजन गैस एनोठार सृष्टि हुए एमोनिया को रासायनिक सार प्रस्तुति में व्यवहार करा जाए क्योंटि भूल बोली कही तुमकर ऑप्शन सी तुमकर भूल हम जो थे कही हाइड्रोजन गैस एनोठार सृष्टि हुए एनोड ठारे हाइड्रोजन गैस सृष्टि हम ना कैथोड ठारे हम नेक्स्ट क्योंटि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक व्यवहार अटे ठीक है हाँ क्लोर अल्कली प्रणाली रे हाइड्रोजन गैस सृष्टि ही हुए ना है एनोड ठारे सृष्टि हुए बोली कहला ना क्लोर अल्कली रे हाइड्रोजन गैस सृष्टि हुए ना ठीक अच्छे क्योंटि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक व्यवहार अटे हाइड्रोक्लोरिक एसिड रो व्यवहार कौटा इस्पात को परिष्कार करिबा औषध प्रसाधन सामग्री प्रस्तुति एमोनियम क्लोराइड रो प्रस्तुति लुगा को परिष्कार करिबा हाइड्रोक्लोरिक एसिड रो व्यवहार अटे हाइड्रोक्लोरिक एसिड रो व्यवहार कौटा इस्पात परिष्कार औषध प्रसाधन सामग्री प्रस्तुति एमोनियम क्लोराइड रो प्रस्तुति लुगा को परिष्कार करिबा ए सब गुड़ाक हम है सब गुड़ाक हम ये टे क्वेश्चन रंग अच्छे उपरोक्त समक्त समस्त हवा कथा बट लुगा को परिष्कार कर हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज हुए ना इस्पात परिष्कार औषध सामग्री एमोनियम क्लोराइड प्रस्तुति तीन टा जाक ठीक अच्छे लुगा परिष्कार मत डाउट लगुच क्वेश्चन टी रंग अच्छे भाई लगुच मत छाड़ दि रेड लिटमस द्रवण क्यों जौगिक द्रवण मिसाइले द्रवण वर्ण परिवर्तित हम ना रेड लिटमस द्रवण रेड लिटमस टा चेंज हेनी रेड ही रहिबो एसिड पकेले चेंज हेनी हाइड्रोक्साइड गुड़ाक सब हाइड्रोक्साइड सब कौन भूल हम एमोनियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सब गुड़ाक क्षारक क्षारक मिसाइले तो रेड टा ब्लू हो रेड टा रेड रत एसिड मिसाइले तेणुक सी एस थ्री सी ओ एच एसीटिक एसिड हम करेक्ट आंसर ठीक अच्छे तो अम्ल क्षारक लवण पाठर ये थिला किछे क्वेश्चन आशा कर आज क्लास टा भल लगी आम नेक्स्ट क्लास रे मिसिबा आहरी भी आग को बहुत गुड चैप्टर्स एमसीक्यू क्वेश्चन एमती डिस्कसन कर चलिबा पुनी थरे मिसिबा टिल देन बाय हैव ए नाइस डे Bye everyone.